की वीडियो में सोचा क्यों ना एक सस्ते बजट वाले फोन पे वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ज्यादातर मेजोरिटी लोग वही लेना पसंद करते हैं, 10,000-11,000 रुपए के आसपास का फोन। ये फोन इंडियन ब्रांड का है और ये आपका 11,000 रुपए की रेंज से कम में आता है। मतलब कभी कभी ऑफर्स मिल जाते हैं आपको तो 10,000-11,000 के बीच में मिल जाता है आपको ये फोन। ये 5G है जिसका नाम लावा ब्लेज 5G। देखो स्पेसिफिकेशन वाइज बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं है, मगर एक ठीक ठाक फोन है, 10,000 रुपए के बजट के हिसाब से ठीक है। स्टैंडर्ड स्क्रीन साइज है 6.5 इंचेस का, और जिसमें जो आपकी मतलब जो स्क्रीन होती है वो IPS LCD है। चलो मोबाइल स्क्रीन तो हो गई, मगर एक ये होता है ना कि भाई गेम खेलने जा रहे हो तो गेम सही चलेंगे कि नहीं चलेंगे। मैं अगर सच्ची बताऊं तो गेम्स उतने अच्छे नहीं चलेंगे। हल्के गेम अगर आप चला रहे हो, छोटे मोटे गेम्स आप खेल रहे हो तो बहुत स्मूथ चलेगा, मगर कहीं आप सोचो कि बहुत हैवी गेम्स हो गए, COD हो गया आपका, जो गेम्स हो गए, जो हैवी गेम्स हो गए, ये नहीं उतने ज्यादा अच्छे से चलेंगे, कहीं ना कहीं लैग आएगा, क्योंकि यार बजट फोन है ये भी हम लोग को पता है। इस फोन में स्टोरेज काफी है, 128GB, ताकि आप फोटो वोटो जो आप खींचते हो, क्योंकि कैमरा भी लोग 50 MP का कैमरा दे रहे हैं, जो कि आपके लिए सफिशियंट होता है कि भाई आप फोटो वोटो खींचने के लिए। क्वालिटी 50 MP के बाद भी बहुत अच्छी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि प्रोसेसर के साथ इंटरलिंक होती है चीज़ें, फिर भी एक मतलब भर की फोटोज आपके पास आएंगी। फ्रंट कैमरा इसका 8 MP का है, इससे जो आप रील्स वील्स बनाने वाले हो सेल्फी कैमरे से वो आपकी अच्छी आ सकती है काफ़ी। और बहुत जैसे बहुत क्लोज फोटोज होती हैं, कभी फोटो वोटोज का शौक है, तो ये मैक्रो लेंस हर मोबाइल में, अच्छे प्रीमियम मोबाइल्स में अब नहीं आ रहे हैं, मगर इसमें दिया गया है 2 MP आपका मैक्रो लेंस दिया गया है नज़दीक की फोटोज खींचने के लिए। छोटी छोटी चीज़ें किसी की अगर फोटो खींचनी हो तो आप उससे खींच सकते हो, साफ आएंगी फोटो। इस मोबाइल में रैम भी आपको 4GB की मिल रही है, और उसके साथ जो एक डिज़ाइन आ रहा है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है। आप लुक वाइज अगर इसको देख रहे हो तो लुक वाइज इस मोबाइल में जो कैमरे की प्लेसमेंट्स हैं और जो एक डिज़ाइन पूरा ओवरऑल एक बहुत क्लीन लुक आ रहा है, अच्छा फ़ोन है। जैसे आप कभी इसको ओल्ड पेरेंट्स को अपने गिफ्ट करना चाहते हो, जैसे जिन लोगों को नहीं समझ में आता थोड़ा सा ज़्यादा ये मोबाइल टेक्निकल लगता है, उन लोग आप दे सकते हो, क्योंकि इसका जो यूज़र इंटरफेस है, जो चीज़ें इसमें दिखती हैं, जैसी प्लेसमेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है। कोई भी आदमी इसको कैसा भी इसको ऑपरेट कर सकता है आराम से, इसके उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। बैटरी भी अच्छी खासी मिली जा रही है, 5000 mAh की बैटरी है, मतलब चलने भी की भी कोई इतनी खास दिक्कत नहीं है, 4-5 घंटा रेगुलर यूज़ पे आराम से चलेगा। रुक रुक के जैसे लोग यूज़ करते हैं, कभी मोबाइल फोन उठाया यूज़ किया, वैसे आप करो तो आराम से एक दिन डेढ़ दिन आराम से चलेगा ये। इस बजट का ये 5G फोन मेरे हिसाब से तो ठीक है। आपको अगर प्रेफर करना चाह रहे हो, किसी को देना चाह रहे हो, गिफ्ट करना चाह रहे हो, और भी कई ऑप्शन हैं, हम लोग के चैनल पे पड़े हैं वीडियोज़ आपके मोबाइल्स के, आप जाकर एक बार देख सकते हो, उसके बाद देख कर अच्छा सा फ़ोन ले लो।